नमस्ते साथियों, फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एलएस आर्य। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, कि एनालसेक्स या गुदा मैथुन टिप्स सही या गलत, तो देखिए आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एनालसेक्स या गुदा मैथुन सही है या गलत है और इसका लॉजिक कहाँ से आया, व्यक्ति क्यों इसके बारे में सोचता है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को पूरा देखें, जिससे सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, जो एनाल सेक्स सही या गलत, ये नेचुरली तो वैसे सही नहीं है, क्योंकि नेचुरली सेक्स के लिए क्या है, जो भगवान ने क्या है, जो इंसान के अंदर पेनिस और वैजिना का निर्माण किया है, जो कुदरत ने जो बनाया है, जो कुदरती है, वो मनुष्य में जो मेल में पेनिस और फीमेल में वैजिना बनाई गई है। परंतु कुछ लोग पोर्न मूवी ज़्यादा देखते हैं या पोर्न पिक्चर देख के उसमें एनाल सेक्स दिखाया जाता है, गुदा मैथुन दिखाया जाता है। तो जब ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी देशों से ये आया है, तो उससे लोगों को क्या लगता है मूवी देख के कि एनाल सेक्स करना चाहिए। और कुछ YouTube पे भी आपने देखा होगा कि एनाल सेक्स के बारे में कुछ वीडियो बताई गई हैं, काफ़ी सारी वीडियो हैं। कुछ डॉक्टर या सेक्सोलॉजिस्ट जो वीडियो बनाते हैं वो बताते हैं कि गुदा मैथुन करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। पर देखिए, ये वैसे जो है पोर्न मूवी की उपज है। ये पोर्न मूवी जो व्यक्ति देखता है उसके मस्तिष्क में इस तरह के विचार आते हैं, वैसे ये नेचुरल नहीं है, नेचुरली सेक्स नहीं है। अब थोड़ा जानते हैं कि एनस क्या है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी का सबसे लास्ट पार्ट होता है एनस, और यहाँ से मल त्याग किया जाता है। अब उसमें जब पेनिस अंदर एंटर करेंगे तो उसको गुदा मैथुन बोला जाता है। वैसे गलत है, क्योंकि एनाल सेक्स करना चाहिए ये नहीं, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ये आप पर या आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि आप एनाल सेक्स करना चाहते हैं या गुदा मैथुन करना चाहते हैं नहीं। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। प्रकृति ने सेक्स करने के लिए कुछ ऑर्गन बनाए हुए हैं, जैसे पेनिस या वैजिना, तो वो एक नेचुरल सेक्स के माध्यम है। गुदा मैथुन या एनाल सेक्स नेचुरल नहीं है, और जो चीज़ अननेचुरल है तो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब ये गुदा मैथुन आप करेंगे तो पहली बात तो आपका पार्टनर ही तैयार नहीं होगा, और यदि वो तैयार भी हो जाता है तो जब आप करेंगे तो उसको जो गुदा है बहुत मुलायम होता ही पार्ट होता है, यानी कि जो एनस है वो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है। और एनाल सेक्स में, यानी कि गुदा मैथुन में, फीमेल पार्टनर को बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये फीमेल के लिए नॉर्मल नहीं है। जब फीमेल ये सब के लिए बहुत रेडी होती है, और जब गुदा मैथुन होता है तो उसमें उसको बहुत दर्द होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तो वहाँ से खून आने लगता है और उसको बहुत ही जलन के साथ दर्द होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपना पेनिस एनस के अंदर एंटर करता है या गुदा के अंदर एंटर करता है, तो फीमेल इसके लिए तैयार नहीं होती, दर्द होता है, यह सही नहीं है। तो एनाल सेक्स से पहले यदि आपको करना है तो कुछ पॉइंट हैं आप कर सकते हैं। अपने पार्टनर से पहले बात करें, उसको बताएं कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैं ये सब प्लीजर लेना चाहता हूँ, और उसको बताएं कि ये थोड़ा अननॉर्मल है और इससे थोड़ा दर्द होगा, जिससे वो बॉडी को ढीला छोड़ दे और रिलैक्स पोजिशन में आ जाए। नंबर दो, कोई जेली या लुब्रिकेंट या जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जेल मार्केट में अवेलेबल हैं, जेलीज बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लिडोकैन और लिग्नोकैन जेलीज आती हैं, लिडोकैन और लिग्नोकैन स्प्रे मार्केट में आते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनाल सेक्स से एनएस से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि खून आता है, ब्लीडिंग होती है, तो तत्काल प्रभाव से अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो साथियों, आज हमने अपनी वीडियो माध्यम से आपको बताया एनाल सेक्स, जो हमारे काफ़ी व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे, काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि एनाल सेक्स पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, वीडियो बनाना व्यूवर्स की डिमांड के अनुसार ज़रूरी था। तो आज मैंने बताया कि एनाल सेक्स नेचुरली नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, और मैंने इसके साइड इफेक्ट आपको बता दिए हैं। तो देखिए, जो नेचुरल है ये नेचुरल तरीका नहीं है, और बाकी आप पे और आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रकृति ने सेक्स करने के लिए जो कुछ ऑर्गन बनाए हैं उसमें ये एनाल सेक्स नहीं है, उसके लिए पेनिस और वैजिना बनाए गए हैं। तो साथियों, फिर भी आशा करता हूँ कि मैं आपको कम समय में अपनी पूरी बातें समझा पाया हूँगा, और यदि आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो वीडियो को
लाइक और शेयर करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। चैनल को प्यार देते रहें और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।